मेरे साथ इस समय चंद्रकला देवैया जी मौजूद हैं, नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार, जिनको सरकार ने टर्मिनेट कर दिया है। आरोप लगाया गया है कि अनियमितताएं जो हुई, नर्सिंग घोटाला जो जुड़ा है उसकी वो मुख्य सूत्रधार हैं। बड़ा प्रचारित किया जा रहा है आपके बारे में चंद्रकला जी, कि ये जो नर्सिंग घोटाला हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हुआ, मगरमच्छ आप और सुनीता सिंजू जैसे लोग हैं। जी, ये तो सारा निराधार है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा केस जो है कोर्ट में लंबित है, और अभी जब मुझे ज्वाइन कराया गया, मैं तो 2.5 साल सस्पेंड थी, तो कोर्ट में स्टे मिला था, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, और फिर कोर्ट कंटेम्प्ट लगाने के बाद मुझे ज्वाइन कराया, और जिस अधिकारी ने ज्वाइन कराया उसमें एक लाइन लिखा है कि ये जो आदेश है ये न्यायालय अधीन है, मतलब न्यायालय के अधीन है। तो जब न्यायालय के अधीन है तो न्यायालय का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मेरा केस तो लंबित है, पेंडिंग है, फाइनल हियरिंग में था, तो बर्खास्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जी, और ये जो घोटाले की बातें आ रही हैं कि आपने सब बिना इंस्पेक्शन के, बिना उसके सब मान्यता दे दी। नहीं, बिना इंस्पेक्शन के तो बिल्कुल नहीं दिया है। सारी हमारी टीम बनी हुई थी, 39 लोगों की थी, सारे लोग इंस्पेक्शन में गए हुए थे। और हाँ, मेन चीज ये है कि उस समय हॉस्पिटल की मेरे ऊपर आरोप ये लगाया था कि हॉस्पिटल नहीं था, फिर भी हमने मान्यता दिया, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास सारे सबूत हैं कि हॉस्पिटल थे, 100 बेड जो हॉस्पिटल ओपन किए गए थे वो हॉस्पिटल का है मेरे पास में, और मेरे जो निरीक्षण करता गए थे तो वो पूरी रिकॉर्डिंग सीडी लेके आते हैं, वो रिपोर्ट लेके आते हैं, तो सारा रिपोर्ट भी था उसमें। ये रिपोर्ट 100 बेड के हॉस्पिटल जो कपोल कल्पित थे, क्योंकि कोरोना में मालूम पड़ा कि थे ही नहीं, किसने किसने बना दिए ये सब? सर जी, ये क्या है, सीएमएचओ सर ने अस्पताल दे दी है, मान्यता तो दे दी उन्होंने, हमने देखा भी था पोर्टल में, इन्होंने कब दिया है, 2020 अक्टूबर नवंबर में इन्होंने अस्पताल की मान्यता दी, और उस अस्पताल की मान्यता थी 2023 तक, ठीक है। पोर्टल में 100 बेड है और ये कब तक है, 2023 तक दिख रहा था उसमें। उसके बाद में फिर इन्होंने कितना, जुलाई में हमारे पास लेटर आया था कि हमने इतने अस्पताल निरस्त कर दिए, फिर देन एंड देयर हमने उतने अस्पताल से जो रिलेटेड कॉलेज थे हमने सारे कॉलेज को निरस्त कर दिए, कॉलेज निरस्त किए। फिर हमने औचक निरीक्षण की एक फाइल भी चलाई, नोट शीट में लिया, हमने सोचा कि अब रोज 2 बजे के बाद हम निकलेंगे, तो हमने भोपाल में भी अपने तरफ से हमने 5-6 कॉलेजों के निरीक्षण किया था, उसमें 2-3 कॉलेज की एग्जीक्यूटिव कमेटी से मीटिंग करके हमने उनको भी निरस्त किया था, वो अपने स्तर से किया था हमने। फिर हमने सोचा था कि अब हम सबका कर देते हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं जी, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, क्योंकि दिख रही है साफ तौर पर कि किस तरह से वो पूरा का पूरा ये। सर, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर अस्पताल की मान्यता नहीं देती या अस्पतालों का निरीक्षण ठीक से नहीं किया गया होता, किया गया होता, आज ये नौबत भी नहीं आती, क्योंकि हमारे उसमें था कि 100 बेड हॉस्पिटल है तभी उसको कॉलेज की मान्यता मिलेगी, 30 सीट मिलेगी, तो 100 बेड तो वो लेके आया ना सर्टिफिकेट, और डिजिटल वाले साइन है, पोर्टल में भी दिख रहा है कि उसके पास 100 बेड हॉस्पिटल है, तो कौन गड़बड़ी किसकी है फिर? सीएमएचओ सर को नहीं देना चाहिए था, या तो उनको निरीक्षण तरीके से करवाना चाहिए था, और रोगोपचार नियम से होता है उसको, अस्पतालों को मान्यता देने का काम सीएमएचओ सर का है, हमारे नर्सिंग कैडर का नहीं है। नर्सिंग कैडर तो जाती है, फुलफिल करती है कि हाँ कितने बेड, कितनी आईपीडी, कितनी ओपीडी, उस समय फॉर्मेट ये बना हुआ था, डीसी किस में हमने किया था, पुराना फॉर्मेट को ही फॉलो किया था हमने, कोई नया जनरेट नहीं किया था। तो सीएमएचओ पे कोई कार्रवाई हुई क्या अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर सीएमएचओ की। जी जी, कहाँ है वो अभी? सर ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन मैडम लगता है ना कहीं एक, मतलब आप लोगों को मोहरा बना दिया गया, या कहीं ना कहीं नर्सिंग कैडर को मोहरा बनाया है, क्योंकि आसानी से इनको खा सकते हैं, आसानी से। तो हम लोग कितने ईमानदारी से, जब हम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लोकल भोपाल में हम निरीक्षण कर रहे थे, फिर हमारे पास फोन आता है कि नहीं आज नहीं जाना है आपको। जी, किसके फोन आते थे? अब मैं अपर उच्च अधिकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जब हम औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिए, हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो औचक निरीक्षण कर रहे हैं ना, हमें करने दो ना, हमने तो नोट शीट भी लिया था आपसे, अनुमोदन करवाया हमने। अब किससे न्याय की उम्मीद लगती है आपको? वो तो कोर्ट से ही मिले, न्याय तो मिलना चाहिए, हम तो ये चाहेंगे न्याय मिलना चाहिए, और कोर्ट में हमारा विचार ही ना। कोर्ट अगर पूछेगा तो बताएंगी उन उच्च अधिकारियों के नाम जिन्होंने आपको बाध्य किया कि निरीक्षण नहीं करें आप?
बिल्कुल कोर्ट में, हमारा तो फाइनल हियरिंग में है, वो तो हमने पिटीशन में भी लिखा है, वो तो सीएमएचओ को भी कोर्ट बुलाती। और एक चीज और भी है, जब एक जांच हो गई हमारी, ठीक है, एक जांच हो गई, उस जांच को इन्होंने नहीं उचित नहीं पाया तो दूसरी जांच रख दी, और जब दूसरी जांच में हमें स्टे मिला तो पहली जांच में आज टर्मिनेट कर दिया, तो पहली जांच अब कैसे ठीक हो गई, उस समय तो उचित नहीं थी। सीएम बदल गए हैं, मांग करेंगी क्या कि न्याय मिलना चाहिए आपको, फैक्ट वगैरह? हमें तो बहुत उम्मीद है जी जी जी, और तो बहुत उम्मीद। और आप क्या मदद करेंगी कि इस दोषी, इस पूरे घोटाले के, जिसने मध्य प्रदेश को पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कलंकित कर दिया है, बिल्कुल मदद करेंगे हम, बिल्कुल मदद करेंगे हम, क्योंकि भाई बिल्कुल मदद करेंगे उसको। मतलब आपको तो पता है कि किसने गड़बड़ करी है? नहीं, ऐसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्टिंग मेरा तो, मेरी ओपिनियन तो ये है कि अस्पताल अगर मान लो ऐसे बिना उसके, बिना निरीक्षण के अस्पताल नहीं खुलते तो कॉलेज भी नहीं खुलते, ये मेरा मानना। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकला जी, और अगर आपकी बात सही है तो आपको न्याय भी मिलना चाहिए, और इस घोटाले के जो वास्तविक दोषी हैं उन्हें सीखों के पीछे भी जाना चाहिए, क्योंकि व्यापम के बाद ये एक दूसरा कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर है, जिसने न केवल हमें शर्मसार कर दिया है बल्कि लाखों नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।